यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? भाई अब बढ़िया होंगे हमारे ख्याल से। फ्रेंड्स, हम नहा धुला के फ्रेश हो गए और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो हम सोचे कि चलो जो हम यूट्यूब में जो हम थंबनेल में जैसे थंबनेल तो नहीं था बट नीचे में जो लिखे थे ना कि हाँ न्यू दूसरा पार्ट देखने के लिए ब्लॉग, तो वो जो है ना वीडियो वो मैं डालूँगी, तो आप लोग जरूर देखिए ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जरूर बताइए फ्रेंड, ठीक है? कमेंट करके बताइए तो हमें अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट कर बोलते हैं तो आप लोग कमेंट, मतलब कोई कोई चीज़ है जैसे कि आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, कोई कोई ऐसे है कि नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट करता है, बट हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें तो आदत हो चुकी है पॉजिटिव सुनने का भी और नेगेटिव भी, तो फ्रेंड से बोले ना। तो अभी जस्ट रोहित जी भी आ गए, मोबाइल चार्जिंग बोलना चाहते हो कि नहीं? क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स पता है आप लोगों सबसे जरूरी बात ये बोलना है कि मेरा और रेजी का आने वाला है एनिवर्सरी ना गो। बस कितना दिन और ये आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ ज़्यादा दिन नहीं है, बस ये वाला मंथ खत्म होगा, उसके बाद दूसरा मंथ का मैं एनिवर्सरी आएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और कितना तारीख का हम लोग का एनिवर्सरी है आप लोगों को तो बोले भी है बहुत बार, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हम लोगों का कितना तारीख का एनिवर्सरी है, ठीक है फ्रेंड? तो अरे फिर उसके बाद एनिवर्सरी के बाद मेरा बर्थडे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोग हमें पता है कि आप लोग हमेशा अच्छा कमेंट कीजिएगा ना, हमें आशीर्वाद दीजिए मुझे और रोहित जी को कि हमेशा हम लोग दोनों अच्छे से रहे और अच्छे से साथ में रहे, खुश रहे ना, जो भी होगा हम आप लोग से शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड तभी हम जाते हैं रोटी लेने, रोटी लाना तो होगा हम लोगों, क्योंकि रोटी नहीं लाएंगे तो कुछ खा नहीं सकते। खत्म हो गया, हमको तो इसलिए नींद आ रहा क्योंकि हम शाम शाम में नहा लेना तो नींद आ रहा है, कपड़ा से धोए नहाए घर साफ किए, बोलो तो पता है फ्रेंड तो पूरा घर साफ किया। तो अभी जो है रोटी लाने जाएंगे, फिर रोटी लेके आएंगे, उसके बाद बिस्तर बिछाएंगे, बिस्तर बिछाने के बाद बनना है, फिर रोटी निकाल के देंगे रोहित जी को, फिर रोटी खाएंगे हम लोग, फिर सोएंगे। तो जब तक आप लोग जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आज उनका शादी है और आज फिर हम लोगों का पूजा हुआ था, यानी कि हम लोग का सास घर रख के और बस में पूजा हुआ था। तो देख सकते फ्रेंड्स कितना सारा भीड़ हुआ है और यहाँ पे फ्री फ्री में खाने का मिल रहा है, जैसे कि आपका आइसक्रीम हुआ, 3 रुपये वाला बिस्किट, यानी कि बात लीजिए बिस्किट, फिर चॉकलेट और पानी जो होता है ना, केवल सरसना पानी, हाँ ये सब दे रहा था खाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते कितना सारा झंडा सब दिख रहा है और ऊपर से पूरा भीड़, इतना सारा भीड़ हो गया था। और यहाँ पे जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर रामनवमी हो रहा है और इतना सारा भीड़ हो रहा है, रामनवमी में भी ऐसे ही भीड़ होता है फ्रेंड, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो देख सकते फ्रेंड्स कि कितना साउंड वाला गाना बज रहा था, तो इतना सारा गाना बज रहा था बॉक्स में, तो इसलिए ना ज़्यादा गाना हम डाल भी नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है ना, हो जाता है। तो देख सकते फ्रेंड्स जो है ना इतना बड़ा झंडा है, नवमी में जैसे झंडा निकलता है जुलूस, ऐसे ही यहाँ पर भी झंडा सब है और सबका ये गलत माथा होता है समय पत्ता होता है खोसा हुआ है, देख सकते कि मतलब माथा में पत्ता होता जो रखते ना, तो ये वाला एक नियम होता है, तो इसी का पत्ता का पूजा होता है, बोल करके जो पत्ता को कान से में फंसाता है फ्रेंड। तो देख सकते फ्रेंड छोटा सा बॉक्स, आप देख सकते फ्रेंड्स गाड़ी में कितना छोटा छोटा बच्चा लोग हैं जो गाड़ी में चढ़े हुए हैं और इधर सब कोई खाने पीने के लिए ले रहे हैं, और हम लोग तो दीवार के ऊपर में चढ़ के वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए हम लोग गए ना नीचे लेने के लिए। हाँ मेरा भाई लेकर आया था बस एक आइसक्रीम और एक बिस्किट। देख सकते फ्रेंड्स की कितना रात हो गया फ्रेंड, और हम लोग इतना काफ़ी टाइम से हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग घर से निकले थे 5-6 बजे आसपास, तो फिर हम लोग को वहाँ पे आया 6-7 बजे आसपास में जुलूस निकला रंगलम का। तो देख सकते फ्रेंड्स कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस हम लोग का चैमासा का मेन चौक है, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में डांस हो रहा है,
और वहाँ पे एक चक्कर पूरा नाचेगा, उसके बाद फिर इधर सेट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते रोहित जी है जो कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता गेम खेलना, तो इससे तो हम परेशान है मेरा आदमी से, क्योंकि वो जहीं पे भी गेम खेलता रहता रोड में भी चलेगा गेम खेलेगा। और इधर देख सकते तो कितना अच्छा हो रहा था। अरे हम लोग चैमासा का जुलूस है फ्रेंड, यहाँ पे मतलब इन्जॉय होते रहता है फ्रेंड। तो आप लोग कैसे लगते बताइए। तो फ्रेंड इधर ना माइक पकड़ के लॉन्च कर रहा था, मतलब जो जो बस्ती से आता है ना तो वो वाला बस्ती का नाम दिया जाता है। तो हम लोग बस्ती के यानी कि मसाज का तरफ का बस्ती का आएगा लास्ट में फ्रेंड, तो कम से कम 8:30 बजे टाइम में आता है। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स कि वहाँ पर गोल चक्कर होकर कैसे डांस किया जा रहा है, देख रहे हैं तो कितना गोल चक्कर होकर के डांस कर रहा है। और इधर सब खाने में बिजी है सब आदमी। और यहाँ पे जो वकील वगैरह लोग हैं और हम लोग चैमासा में जो जो नेता कलता है जो इलेक्शन आया वोटिंग लेने के लाए थे ना, तो वो लोग थे गीता बाल मुचू थे और जो वकील सब थे। तो वो लोग जो ना गीता बाल मुचू के साथ में खड़े थे, मतलब घर चैमासा का नेता है। तो वहाँ पर देख सकते कितना डांस हो रहा फ्रेंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि खाने पीने स्टार्ट हो गए, सबको का खाने का मिल रहा है और यहाँ पे सब खाने के लिए लाइन लग लिया है। तो हम लोग भी खाने के लिए नीचे उतरेंगे सोचे थे, लेकिन नीचे गया नहीं क्योंकि रोहित जी आ गया था तो गाली देता ना, इसलिए ऊपर में दीवार में चढ़े हुए थे। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी छोटी बच्ची लोग साड़ी पहन पहन करके यहाँ पर डांस करने के लिए आया था। और यहाँ पर देख सकते कि बड़े बड़े दीदी लोग भी है, वो लोग साड़ी पहना था। मेरे को भी मन करा था साड़ी पहनने का, क्योंकि वो लोग ऐसे साड़ी पहना था ना हमको भी अच्छा लग रहा था, साड़ी से देख कर हमको पहनने का मन कर रहा था। खास अगर हम अपने सास माँ के घर तक जाते तो शायद हम पहन सकते थे, लेकिन हम अपने सास के घर तक नहीं गए क्योंकि जो फिर रात हो जाता आने में घर, तो इसलिए नहीं गए थे। तो देख सकते फिर इतना भीड़ हो गया, भीड़ हो रहा फिर पता है। और आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमें छोड़ना था कल और, लेकिन हम छोड़ना नहीं सके क्योंकि हम एडिट किए नहीं थे। तो अभी एडिट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर एडिट उडिट करने के बाद जो अपलोड होने देंगे। तो आप लोग तब तक लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन में घंटी का दबाइएगा फ्रेंड, ठीक है। और कैसे लगा है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड जो है पूरा भीड़ पर भीड़, देखिए ना ठंडा वंडा तो कैसे पी रहे सब कोई, शायद डांस करते करते भी तो थक जाता ना फ्रेंड, तो ठंडा पीना तो बनता है फ्रेंड्स, क्या बोल रहे बताइए। देखिए रहे डांस भी किया रहे है, सब खा रहा भी है, ठंडा भी पी रहा है, सब नाच रहे, क्या बोलिए फ्रेंड। और इतना भीड़ फ्रेंड, बाप रे बाप, मानना पड़ेगा इतना भीड़। तो इसलिए हमें चैमासा में घूमना बहुत पसंद आता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा पर्व होते रहता है पर्व वर्व, और जुलूस वलूस ऐसे ही निकलते रहता है जैसे आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही जुलूस निकलते रहता छोटा मोटा। और यहाँ पर सब लड़के लोग दिख रहे हैं, इधर सब दीदी लोग हैं। और राधा तो जानते हैं जो हमें पहचानते ना आधा लोग, तो वो लोग हमसे बात कर रहे थे, तो हम भी बात वगैरह करते। और देख सकते कि इतना बड़ा बॉक्स आ रहा है और उसमें फिर चोंगा सब भी जो गाना वाना बजने वाले चोंगा, तो वो सब भी है। और वहाँ पर जो नेता सब खड़े थे। और इधर देखिए कैसे बांट रहे वकील वाला भैया लोग। और इधर देखिए पूरा भीड़ पे भीड़, और क्या बोलेंगे फ्रेंड आप लोग बताइए। और सब डांस कर रहा था, मेरे को डांस करने का मन कर रहा था, इतना अच्छा डांस हो रहा देख रहे फ्रेंड। आपका लोगों का तरफ ऐसा डांस होता है कि ना, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए जो धीरे धीरे कर गाड़ी को ले जा रहा, क्योंकि छोटा जगह हो जाता है ना भीड़ होने से। तो देखिए फ्रेंड, और इधर देखिए फेंक फेंक कर दे रहा गाड़ी सब में, कि पिएगा खाएगा बोल कर फेंक फेंक कर गाड़ी में दे रहा। देखिए अगर गाड़ी में आगे बच्चा सोता ना तो गाड़ी में दे रहा है फेंक फेंक करके। देखिए और क्या बोलेंगे फ्रेंड आप लोग का। और यहाँ पे इतना रात पे रात हो रहा है और हम लोग को घर भी जाना था, घर तो जाने नहीं सक रहे। हमने सोचे कि चलो पूरा जुलूस खत्म होने दो, उसके बाद फिर घर चलते हैं, उसके बाद रोटी खरीदते हुए जाएंगे फ्रेंड। क्या तो देख सकते फ्रेंड पूरा रोड जाम है। और यहाँ पे अभी जो है गीता बाल मुची ना हम लोग का चैमासा का नेता, तो वो भी डांस कर इधर, और वकील लोग भी है, और कुछ कुछ जो है सहेली लोग भी है, कोई कोई लोग, तो वो लोग भी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे बीच में
तो हमें भी बुला रहा था, लेकिन हम घर का कपड़ा पहन के गए थे ना, तो इसलिए हम डांस करने नहीं गए फ्रेंड।